हमने डिस्कस किए थे ये सारे फॉर्मूलाज, ठीक है, किस तरीके से इनका डेरिवेशन होता है, किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं आसानी से बिना रटे, वो सब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स, वे किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाना चाहिए, किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है इसका, राइट सर्कुलर कोन का, ठीक है। जब भी बात करेंगे, कल भी मैंने बताया था कि चाहे वो कोन की बात करें हम या सिलेंडर की बात करें तो वो कैसा होगा, राइट, है ना। तो राइट सर्कुलर कोन है जिसकी स्लेंट हाइट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस, जो बेस की रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ इस शेप में आपका कोण होता है, ठीक है। और इसमें कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है, स्लेंट हाइट, ये जो हाइट होती है ये एल बोलते हैं जिसको, ये गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेस की रेडियस, ये आपका सेंटर पॉइंट और यहां से ये होगी रेडियस आर, रेडियस कितनी होगी आपकी, 7 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी आई, 22/7, रेडियस 7 गिवन है और ये 10, 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, 22 की और 10 की गुणा की तो 220, यहाँ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि एरिया किसमें मेजर किया जाएगा, हमेशा स्क्वायर के अंदर। क्लियर है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। सेकंड देखो, द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर, कोन की हाइट गिवन है ना कि स्लेंट हाइट, ये जो टेडी हाइट है ये तो क्या है, स्लेंट हाइट। अगर हाइट की बात करेंगे तो कौन सी हाइट की बात करें, वो इस ये जो परपेंडिकुलर हाइट है इसकी, ये होती है एच, ठीक है। तो कोण की हाइट दी गई है 16 सेंटीमीटर, बेस रेडियस दी गई है 12 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है आपको, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोण, और पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। तो जो जो चीजें गिवन है स्टार्टिंग में, एच गिवन है, ठीक है, इसी में कर लेंगे चेंजेस। एच 16, रेडियस 12, 12 ये हो गया आपको 16। अब स्लेंट हाइट निकाल सकते हो इससे, हाइट गिवन है 16, रेडियस गिवन है 12, स्लेंट हाइट बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो स्लेंट हाइट क्या होगी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ये जो है ये क्या बन रहा है, एक ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रहा है ना ये, ठीक है। इसमें हाइपोटेन्यूज तो क्या है अपना एल, ये एच और ये आर, ठीक है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो इसके अंदर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट कितनी है 16 स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है 12 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 250, 256 और 12 का 144, ऐड करो इनको तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एल। दोनों तरफ अगर आप रूट लेते हो, रूट से स्क्वायर कैंसिल, एल इज इक्वल टू रूट 400 और रूट 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ये आ गई 20 सेंटीमीटर, इस तरीके से वैल्यू आ गई, क्लियर है। उसके बाद अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, कोण का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल,
गिवन है पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी है 12, और स्लेंट हाइट हमने निकाली कितनी आई 20। करो मल्टीप्लिकेशन। करो मल्टीप्लाई करो भाई। यहाँ क्या पॉइंट, यानी के 753.6, ठीक है। जीरो लगाओ, इस जीरो की कोई वैल्यू होती ही नहीं। ये आ गया अपना कर्व सरफेस एरिया, यूनिट थी सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर आर प्लस एल। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना 12 प्लस 20, 3.14 और 12 की मल्टीप्लाई हमने ये कर रखी है, कितनी आई थी 37.68। और 12 प्लस 20 कितना हो गया 32। अब 37.68 मल्टीप्लाई 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लिखना ना भूलें। आ गया भाई समझ में। मेन स्टेप क्या था, मेन स्टेप था इसमें स्लेंट हाइट निकालने का ये। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है भाई, मेन था ये स्लेंट हाइट निकालना। स्लेंट हाइट कैसे निकाली हमने, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। एच हमारे पास गिवन था, आर गिवन था, एल निकाल लिया हमने। आ गया भाई समझ में। अ कॉर्न कोब शेप समवट लाइक ए कोन, जिसकी शेप कैसी है, लगभग एक कोन की तरह, एक कोन की तरह जिसकी शेप है, ठीक है। हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1। ब्रॉडेस्ट एंड कौन सा हुआ, ये इधर, ठीक है, जो वाइड एंड है उसकी रेडियस कितनी है, आर गिवन है 2.1 सेंटीमीटर। लेंथ, लेंथ ऑफ द कोन जो क्या बन जाएगी इसकी हाइट, ये जो सेंटर से है हाइट कितनी गिवन है, हाइट 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एच इस हाइट को बोलेगा इसको। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कोब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, ये कह रहा है कि जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इसका एरिया सेलेक्ट करें तो उसमें कितने दाने हैं, लगभग 4 हैं, एवरेज है 4 की, 4 दाने उसके अंदर। तो टोटल ग्रेन्स बताओ कितने होंगे पूरी कोब के अंदर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने हैं 4। मान लो इसका कोई भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लिया, उसमें कितने हैं 4, तो पूरी कॉर्न कोब के अंदर बताओ कितने ग्रेन्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो एच गिवन है, आर गिवन है, क्या निकालेंगे स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कैसे आया ये, हाँ एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। दोनों तरफ आपने रूट ली, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला जो यूज कर रखा है। अब इसमें रेडियस 2.1 का स्क्वायर, फिर एच 20 का स्क्वायर, ये गिवन था, वैल्यूज पुट किया आपने। अब 2.1 का स्क्वायर, अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2.1 स्क्वायर प्लस हाइट क्या है 20,
20 स्क्वायर, 2.1, 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441. अब 2.1 है तो ये कितना आ जाएगा? 4.41 प्लस 20 का स्क्वायर 400, करो ऐड दोनों को, कितना आया? 404.41. भाई ऐड करना नहीं आता क्या? 400 और ये है 4.41, 4.41, ये यहाँ पे पॉइंट, ये इस तरीके से होगा ऐड. ठीक है, ये आ गया. अब 404.41 इसके रूट में वैल्यू है, कैसे निकालेंगे? वैल्यू निकालनी आती है इस टाइप की रूट्स की, लॉन्ग डिवीजन मेथड से. फोर जीरो फोर पॉइंट फोर वन सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या है, आपको पेयर्स बनाने होते हैं. ठीक है, जो डेसिमल है उससे राइट साइड दो दो का पेयर ऐसे बनेगा और लेफ्ट साइड पेयर बनेगा ऐसे दो दो का. अभी इसका चार का पेयर कैसे बनेगा? आगे जीरो लगा सकता हूं मैं. ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे. ये रूट निकालना सिखा रहा हूं मैं, किसी भी नंबर के रूट निकाल सकते हो आप इससे. ठीक है, जो नंबर यहां लिखोगे वही यहां लिखना है, कंडीशन ये है. अब कितने से मल्टीप्लाई करूं? फर्स्ट पेयर कितना है? फोर. यहां अगर वन लिखूंगा यहां वन, वन वन जा वन, टू लिखूंगा टू टू जा फोर, तो कितने बेगा ये? टू यहां लिख दिया और टू यहां, टू टू जा फोर, करो सब्ट्रैक्ट जीरो. अब जो उतरेगा ना वो पेयर में ही आएगा, जो नीचे वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? पेयर में. ठीक है, चार में चार गया जीरो बच गया था और जीरो चार ऊपर से आ गया. अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, इसको और इसको ऐड करो, टू प्लस टू कितना हो गया? फोर. अब यहां जो वैल्यू लिखोगे सेम वैल्यू आपको यहां लिखनी है, कितने बजाएगा भाई? वन पे लेके जाओगे तब भी ज्यादा है ना, तो ये कितने बजाएगा? जीरो, यहां पे भी जीरो. 40 की जीरो से मल्टीप्लाई की कितना आएगा? जीरो. कितना बच गया? चार. अब पेयर में फिर से कितना आएगा? फोर वन, और आगे डेसिमल था तो ये लगा दिया हमने डेसिमल. क्लियर. अब जो लास्ट वैल्यू थी 40 और जो लास्ट क्वेश्चन की वैल्यू थी कितनी थी? जीरो. 40 प्लस जीरो कितना हो जाएगा? 40. अब यहां जो वैल्यू लिखोगे सेम वैल्यू आपको यहां लिखनी है, कितने में जाएगा? वन वन, करो सब्ट्रैक्ट. अब जो नेक्स्ट इससे आगे जो भी वैल्यूज उतारेंगे वो भी कैसे आएंगी? पेयर में, चाहे कितनी जीरो उतारो आप. तो यहाँ पे जब मैंने जीरो उतारी तो वो पेयर में आ गई. ठीक है, अब 401 और लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? वन. 401 में एक जोड़ा कितना हो गया? 402. अब यहाँ जो वैल्यू लिखोगे सेम वैल्यू आपको लिखनी है यहाँ पे, तो कितने में जाएगा ये? जीरो. तो यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, आंसर देख के बता दिया तुमने वन. अब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? जीरो. कितना बच गया? 4000.
अब जो ऊपर से पेयर आएगा वो कितने का आएगा, 00 का, ये है ना। फिर 20 का पेयर आ गया। अब 4020 और लास्ट क्वेश्चन था हमारा 0, 4020 में 0 जोड़ा कितना बच गया, 4020। यहाँ जो वैल्यू लिखोगे सेम आपको यहाँ लिखनी है। अब कितने बचा रहा है ये, 9, 3, 6, 1, 8, 8, 1, ठीक है, यह आ गया। अब देखो और आगे लेके जाना चाहते तो आगे ले जाओ, नहीं तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया यहाँ तक, 0.109। इसको राउंड ऑफ करोगे तो इसमें क्या हो जाता है, एक एड, तो 20.11 ये आ गई वैल्यू। ये होता लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाँ राउंड ऑफ करते हैं ना, तो उसमें क्या है, 5 या 5 से बड़ा है तो पहले वाली डिजिट में एक ऐड हो जाएगा। जैसे 9 है और मैं इसको सिर्फ 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके रखना चाहता हूँ, डेसिमल के बाद कितने रखना चाहता हूँ, सिर्फ 2 डिजिट। 0 के बाद कितना, 9, 5 से बड़ा है तो पहले वाली डिजिट में क्या ऐड हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो 0+1, 1। तो यह आ गया अपनी वैल्यू यहाँ पे। समझ में आया भाई कैसे निकाले ये, किसी भी नंबर की रूट वैल्यू निकाल सकते हो आप इस मेथड का यूज करके, ठीक है। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, फॉर्मूला लगाया हमने फाई आर एल, पाई की वैल्यू गिवन नहीं थी तो हम क्या यूज करेंगे, 22/7। रेडियस कितनी है, 2.1 गिवन है। एल स्लेंट हाइट हमने निकाल ली 20.11। अब इसको देखो 7 से कट करो, ये आ गया आपका 0.3, है ना, 7 21 0.3 पे आ जाएगा, 2.1 है। अब 22 की 0.3 की और 20.11 इनकी गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 132.726। क्लियर। और जिसको हम अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं, 132.73। अब देखो यहाँ भी राउंड ऑफ किया है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 3, 7, 2, 6। अब 6 क्या है, 5 से बड़ा है तो जो 2 है उसमें क्या एक ऐड हो जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे, 7, 3। ये आ गया 7, 3, 132.726 था। इसको मैं सिर्फ कहाँ तक रखना चाहता हूँ, 2 डिजिट तक, कोई डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट हो। तो ये 6 जो है 5 से बड़ा है तो पहले नंबर कौन सा है 6 से पहले, 2, तो 2 में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब इसने पूछा क्या हमसे भाई, कितने ग्रेन्स होंगे, कितने ग्रेन्स होंगे। अब 1 सेंटीमीटर का जो इसका एरिया है उसमें तो कितने हैं, 4, ठीक है, और पूरे कर्व सरफेस एरिया कितना है इसका, 132.73 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 530.92। और इसको भी जब रैशनलाइज राउंड ऑफ किया गया तो 9 था यहाँ पे, इसमें 0 में 1 ऐड हो गया यानी कि 531। तो अप्रोक्सीमेटली 531 ग्रेन्स ऑफ कॉर्न मिलेंगे उस कोब के अंदर, ठीक है। अगली बार मूठा खाओ तो अपना किन लिया, ये कुकड़ी है, कुकड़ी बोले जिसने, ठीक है। सवाल समझ में आया, बूटे बूटे में ध्यान था, समझ में आ गया भाई।